दोस्तों यूपीपीएससी के अंदर एक और नए एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन फॉर्म निकाली जा चुकी है जो कि एपीओ की पोस्ट के लिए है, मतलब असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है और आपको लगता है फॉर्म की लास्ट डेट तक हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फॉर्म फिलिंग की कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे। हम इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि कैसे आप घर बैठे आसानी से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पर formjankari.com वेबसाइट ओपन कर ली है और इसमें हमने यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022 का पेज ओपन कर लिया है। इस पेज पर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी डिटेल्स मिल जाएगी और पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। अब दोस्तों इसका फॉर्म फिल करने के लिए हम इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर का ऑप्शन दिखेगा, हमें इस पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज की वेबसाइट पर आ चुके हैं। इस पोर्टल पर यहाँ पर एग्जामिनेशन नेम दिया हुआ है, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा, और इसके सामने अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, हमें इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन खुल गया है नीचे, अब हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है तो हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अब इसमें पूछा जा रहा है क्या आपने पूर्व में किसी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित किसी भी पद हेतु ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किया है, हाँ या ना। तो आपको यहाँ पर यस और नो सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर नो पर क्लिक करूंगा क्योंकि मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस शुरू से बताने वाला हूँ कैसे आप एक एक स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने पहले कभी यूपीपीएससी के द्वारा निकाली हुई किसी भी एग्जामिनेशन में अपने फॉर्म को फिल किया है तो आप इसमें यस पर क्लिक करेंगे और आपका जो पुराना रजिस्ट्रेशन है उसका नंबर को आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपकी आधी डिटेल वहां पर फिल होकर आ जाएगी और जो बाकी बची हुई डिटेल है उसको आपको फिल करना पड़ेगा। उसको फिल करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब अगर यूपीपीएससी किसी भी एग्जामिनेशन में अभी तक अपना फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपको स्टार्टिंग से देखना होगा कि कैसे आप एक एक स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसमें नो पर क्लिक कर देता हूं। अब यहां पर हम अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है कैंडिडेट बेसिक रजिस्ट्रेशन और यहां पर नोटिफिकेशन डिटेल भी दी हुई है। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले या बोल रहे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा नाम है सत्यम गुप्ता और आप देख रहे हैं फॉर्म जानकारी, जहां पर मिलती है आपको गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दी हुई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही घंटी के आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए अब आगे फॉर्म को फिल करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको कैंडिडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें कैंडिडेट को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके बाद आपको आगे ले चलेंगे। सबसे पहले तो आपको कैंडिडेट नेम का ऑप्शन मिलेगा, फादर नेम या हस्बैंड नेम का ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद आगे यहाँ पर पूछा गया है आर यू ए डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। अब अगर आप इसमें यस पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है आर यू डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रीडम फाइटर, तो इसमें आपको यस या नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक्सरसमैन ईसीओ एसएससीओ सीओ ऑप्शंस है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते तो नो पर क्लिक कर देंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट है और आर्मी के एक्स सर्विसमैन है तो आपको नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इसी तरीके से अगर आप आर्मी में सीओ एसएससीओ या ईसीओ पोस्ट पर थे तो आपको आखिरी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप दिव्यांगजन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस ऑप्शन पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना होगा। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू स्किल्ड प्लेयर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो अगर आप स्किल्ड प्लेयर हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों मैं यहाँ पर अपने फॉर्म को दिव्यांगजन कैटेगरी से फिल करूंगा क्योंकि फॉर्म के बीच में हमें पेमेंट करनी होगी, उसी के बाद हम फॉर्म में आगे बढ़ सकते हैं। तो फॉर्म फिलिंग की कंप्लीट प्रोसेस बताने के लिए मुझे यहाँ पर इस स्टेप के बाद अपनी फीस कटवानी होगी, इसलिए मैं दिव्यांगजन कैटेगरी से अपने फॉर्म को फिल कर रहा हूँ ताकि आपको फॉर्म फिलिंग की कंप्लीट प्रोसेस बता सको। और फिजिकली हैंडीकैप जो कैटेगरी है उसमें सबसे कम फीस लगने वाली है, इसीलिए मैं इस कैटेगरी से फॉर्म को फिल कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सभी में नो कर दूंगा। आपको यहाँ पर याद रखना है अगर आप उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट नहीं है तो आपको डोमिसाइल के ऑप्शन पर नो पर क्लिक करना है। अगर आप यस पर क्लिक कर देंगे और अपनी फीस को बचाना चाहेंगे तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा, तो इसलिए आपको उसमें नो पर ही क्लिक रखना है। अब मैं यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी पर यस करूंगा। उसके बाद अगर आपको देखने में प्रॉब्लम होती है तो आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको सुनने में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर आपको बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको फिजिकली प्रॉब्लम है कोई, तो आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन मिल जाता है। और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर आपको मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, मतलब अगर आपको देखने में भी प्रॉब्लम है, सुनने में भी प्रॉब्लम है और अगर आपकी बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम है, तो आपके लिए यहाँ पर आखिरी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें मैं सभी ऑप्शंस पर नो रहने दूंगा, बस यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी का ऑप्शन है, इसमें मैं यस करूंगा। अब यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इनमें पढ़ लीजिए आपको किस तरीके की डिसेबिलिटी है उस पर टिक लगाना है। तो मैं यहाँ पर किसी भी ऑप्शन पर टिक लगा देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर डमी फॉर्म को फिल कर रहा हूँ। आपको जिस तरीके की डिसेबिलिटी है आप उसी ऑप्शन पर टिक लगाए, नहीं तो आपका फॉर्म गलत हो सकता है। मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन पर टिक लगा दिया है। अब मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पर आर यू स्किल्ड प्लेयर ऑफ उत्तर प्रदेश का ऑप्शन है, इसमें
मैं नौकर देता हूँ। अब नीचे यहाँ पर दिया हुआ है आर यू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो उत्तर प्रदेश के, तो इसमें भी नौकर देंगे। उसके बाद आगे दिया हुआ हैव यू एवर बीन डिवार्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो अगर आप कभी भी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन से बाहर किए गए किसी भी गलत एक्टिविटी की वजह से तो आपको इसमें यस पर क्लिक करना है, नहीं तो आप नो पर क्लिक कर दे। आगे यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन है, मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट शो कर रहा हूँ, मैंने डोमिसाइल में यस किया था इस वजह से मुझे सभी कैटेगरीज का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप डोमिसाइल के ऑप्शन में नो करेंगे, अगर आप दिखाएंगे हम उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है तो केवल सामान्य का ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर सामान पर ही क्लिक कर देता हूँ। अब सामान पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पर्सन है, तो हमें यहाँ पर नो करना है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस बना हुआ है, आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो आप यस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि आपको ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट में मिल जाएगी, जिसमें लिखा हुआ है आपकी जो समस्त स्रोतों से मतलब परिवार में जितने भी स्रोत हैं जहाँ से भी आपकी आय आती है वह कंप्लीट आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए सालाना, तो आप इस नोटिस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। अब नीचे हमें डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है, और आगे पूछा गया है आर यू मैरिड, तो अगर आप मैरिड कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर दें। आगे हमें मोबाइल नंबर फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करनी है। अब नीचे यहाँ पर हमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की डिटेल फिल करनी है, मतलब 10th और 12th क्लास की डिटेल फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले हाई स्कूल की डिटेल फिल करनी है, यहाँ पर हमें बोर्ड का नाम डालना है, पासिंग ईयर डालनी है और रोल नंबर फिल करना है। आप यहाँ पर अपना बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका बोर्ड इस लिस्ट में नहीं है तो नीचे आपको अदर बोर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर दें। मैंने यहाँ पर अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लिया है। अब 10th की डिटेल फिल करने के बाद हमें इंटरमीडिएट मतलब 12th की डिटेल फिल करनी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ हैव यू कंप्लीट इंटरमीडिएट, क्या आप इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको इस पर टिक लगाना है। आगे हमें बोर्ड का नाम फिल करना है, उसके बाद पासिंग ईयर और रोल नंबर का ऑप्शन है, इन्हें फिल कर देते हैं। अब नीचे जाते हैं, यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स का ऑप्शन है, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि अवश्य धारित करना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज साफ साफ दी हुई है कि आपकी लास्ट डेट तक लॉ की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आपकी लॉ की ग्रेजुएशन लास्ट डेट तक कंप्लीट नहीं होती है तो आप फॉर्म तो फिल कर लेंगे और एग्जाम भी दे लेंगे, बट जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो वहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम यस पर क्लिक कर देंगे। नीचे यहाँ पर कैप्चा दिया हुआ है, उसको ब्लैंक बॉक्स में फिल करना है, उसके बाद वैलिडेट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारा प्रीव्यू शो हो रहा है, आप यहाँ पर अपनी सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लीजिए, अगर आपको इसमें कोई गड़बड़ लगती है तो आपको नीचे आना है, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म में एडिट कर लेना है। और अगर आपको सभी डिटेल सही लगती है तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है, आपको इस पर टिक लगाना है, तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन चला जाएगा और यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन का फॉर्म दिखने लगेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो हमारी सभी डिटेल्स यहाँ पर करेक्ट है, तो सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर लिख कर आ रहा है सबमिट करके अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को लेने से पहले आपको अपनी सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लेना है, और जब आप पेमेंट करेंगे इसके बाद तो उसकी रिसिप्ट भी आपको निकाल के रख लेनी है, तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और नीचे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर भी जनरेट हो गया है। दोस्तों यहाँ पर जब आप पेमेंट करने के लिए जाएंगे तो उससे पहले नीचे जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है उसको आपको कहीं पर नोट कर लेना है, क्योंकि अगर आपकी पेमेंट फेल्ड हो जाती है या आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर से अपने फॉर्म को दोबारा खोल सकते हैं, नहीं तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एक बार चला जाएगा तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है उसको दोबारा ढूंढने में, या फिर आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन ही करना पड़े, तो आप इस बात का ध्यान रखें और अपने उस रजिस्ट्रेशन नंबर को अच्छे से कहीं पर नोट कर लें। इसके आगे हमारी पर्सनल डिटेल दी हुई है, अगर आप इस स्लिप की प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो ऊपर प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप इस स्लिप की प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब हमें इसमें नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर लिख कर आ रहा है फी टू बी डिपॉजिटेड, तो हमें 25 रुपए यहाँ पर फीस जमा करनी है। जैसा कि मैंने आपको पिछले स्टेप में बताया था, मैं यहाँ पर डिसेबिलिटी कैटेगरी से अपने फॉर्म को फिल कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर 25 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। इस फॉर्म के अंदर आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी तभी आप आगे के फॉर्म को फिल कर पाएंगे, इसलिए मैंने उस ऑप्शन को चुना जहां पर मुझे सबसे कम पेमेंट करनी पड़ रही है। आप अपनी सही कैटेगरी को फिल करें और इस वीडियो को आगे तक देखते रहें, ताकि आपसे किसी भी स्टेप में कोई भी गलती ना हो जाए और आप अच्छे से अपने फॉर्म को फिल कर सकें। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पेमेंट करने के लिए क्लिक हियर टू पे द रिक्वायर्ड फीस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक नोट लिखकर आ रहा है काइंड अटेंशन, इसमें लिखा हुआ है आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लीजिए, डोमिसाइल डिटेल, कैटेगरी डिटेल, सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लीजिए, अगर आप फीस को एक बार सबमिट कर देंगे तो आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ इफ यू वॉन्ट टू चेंज डोमिसाइल कास्ट सब कास्ट कैटेगरी देन क्लिक यस, अदरवाइज से नो, अगर आप इनमें से किसी भी डिटेल में चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो नो पर क्लिक कर दें, तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन पर आ चुके हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है फी अमाउंट 25 रुपए, तो हमें यहाँ पर 25 रुपए पेमेंट करनी है, इसमें हमें स्टेट बैंक मोप्स पर क्लिक करना है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इसमें पूछा जा रहा है क्या आप श्योर है कि आप फीस पेमेंट करना चाहते हैं, तो हम ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पर SBI की गेटवे पर आ चुके हैं, इसमें अगर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको, अगर आपके पास स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, अदर बैंक वाले नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से कार्ड
कार्ड पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड वाले पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अदर बैंक डेबिट कार्ड वाले दूसरे ऑप्शन पर, और अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आप तीसरे ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आगे यहाँ पर अदर पेमेंट मोड का ऑप्शन है जिसमें यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा, और अगर आप चेक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो लास्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। बट मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी पेमेंट को करें, क्योंकि वहां पर पेमेंट के फंसने के चांस कम रहते हैं, नहीं तो आपकी पेमेंट पेंडिंग में चली जाएगी और आपको 3 से 7 दिन का वेट करना पड़ेगा उसके क्लियर होने का, तभी आप आगे के फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर स्टेट बैंक डेबिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ पेमेंट डिटेल्स दिख रही है, हमें यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करना है, फिर से हमें कंफर्म पर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर का नाम फिल करना है, उसके बाद सीवीवी नंबर का ऑप्शन है, ये आपके कार्ड के पीछे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है इस तरीके से। उसके बाद आपको ये कैप्चा इस ब्लैंक बॉक्स में फिल करना है और पेपर क्लिक कर देंगे। पेपर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर ओटीपी मांगी जाएगी जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दी गई है, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं हमारी पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, पेमेंट स्टेटस में भी सक्सेस शो हो रहा है, कंप्लीटेड सक्सेसफुल लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमारी पेमेंट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स है, तो आपको इस रिसिप्ट की प्रिंट आउट जरूर निकाल लेनी है। यहाँ पर लिखा हुआ प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, इस पर क्लिक करिए और उसकी प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अगर आपका फायरफॉक्स ब्राउजर है या क्रोम ब्राउजर है तो आप इस पर क्लिक करके इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पर सेव टू पीडीएफ पर क्लिक करना है और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको प्रोसीड टू फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू प्रोसीड, इस पर क्लिक कर देना है। अब हम अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर के ऑप्शन पर आ चुके हैं, यहाँ पर हमें फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। नीचे जाएंगे, नीचे यहाँ पर दिया हुआ है अपलोड स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं वह एक ही फोटो के अंदर होने चाहिए, मतलब हमें ऊपर फोटो को रखना है और नीचे हमारे सिग्नेचर्स होने चाहिए और उसी की एक फोटो बनाकर हमें इसमें अपलोड करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज प्रीव्यू दिया हुआ है, ऊपर हमारी फोटो रहेगी और नीचे हमारे सिग्नेचर रहेंगे, तो इस तरीके की कुछ हमें फोटो बनानी है और उसको फॉर्म के अंदर अपलोड करना है। तो हम जल्दी से अपनी फोटो सिग्नेचर्स को अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आपको आगे ले चलेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी फोटो सिलेक्ट कर ली है, बगल में हमारी फोटो का प्रीव्यू शो हो रहा है। अब दोस्तों अगर आपको ये फोटो अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर हमने अलग से वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिएगा ताकि आपको फॉर्म के अंदर फोटो और सिग्नेचर्स अपलोड करने में कोई भी दिक्कत ना आए और आप आसानी से अपने फॉर्म के अंदर फोटो और सिग्नेचर्स अपलोड कर पाए। तो अब हम फॉर्म के अंदर आगे बढ़ते हैं। अब ये फोटो और सिग्नेचर्स अपलोड करने के बाद नीचे कैप्चा दिया हुआ है, उसको ब्लैंक बॉक्स में फिल कर देना है, उसके बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लिख कर आ रहा है फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, तुम्हारी फोटो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम नीचे जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली। अब दोस्तों फाइनल सबमिट करने के लिए नीचे लिखा हुआ है प्रोसीड टू फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, हमें इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इस पर टिक लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें नीचे जाना है, यहाँ पर हमारी पर्सनल डिटेल्स दी हुई है, तो हम इसमें नीचे चले जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रेफरेंशियल एजुकेशन डिटेल, इस ऑप्शन पर आना है। इसमें लिखा हुआ है अन बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिनने, यहाँ पर पहला पॉइंट दिया हुआ है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है राष्ट्र कैडेट कोर की बी प्रमाण पत्र प्राप्त, मतलब एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो, या फिर आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज है तो आप इसमें यस कर सकते हैं, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। अब आगे हमें परमानेंट एड्रेस की डिटेल फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले नेम, केयर ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों आप अपने पिताजी का नाम भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आप उनका नाम डाल सकते हैं जिसके घर में आप रेंट पर रहते हैं। तो हम यहाँ पर अपने पिताजी का नाम डाल देंगे। उसके बाद आपको अपना हाउस नंबर या विलेज नेम डालना है, आगे स्ट्रीट और पोस्ट ऑफिस डालना है, उसके बाद सिटी नेम का ऑप्शन दिया हुआ है, स्टेट नेम का ऑप्शन दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट नेम का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इन ऑप्शंस को फिल करने के बाद नीचे आपको एरिया पिन कोड डालना है। जब आप ऊपर की सभी डिटेल्स को फिल कर लें तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिक्लेरेशन, जो नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया हुआ है उसको आपको एक्सेप्ट करना है, तो इसमें हम यस कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कृपया अपनी सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लीजिए, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है, तो हम ओके कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर कैप्चा डालना है इस ब्लैंक बॉक्स में, कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कर देंगे। अब हमसे ये चीज पूछी जा रही है कि आप सच में अपने फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, ओके कर देते हैं। अब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म शो हो रहा है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। अब अगर आप इसको पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं और आप क्रोम ब्राउजर या फायरफॉक्स ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, बाकी ब्राउजर्स का तो मुझे नहीं पता, बट इन दोनों ब्राउजर्स में हमें पीडीएफ में फाइल सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है सेव टू पीडीएफ, इस पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक कर देना है। अब अगर आप इस स्लिप की प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, तो यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप इस स्लिप की भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस यूपीपीएससी के अंदर निकली हुई असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए अपने फॉर्म को फिल करने की।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और वीडियो से अगर आपको कोई काम की इन्फॉर्मेशन मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी काम की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।